वाले आदिवासी डांस फेस्टिवल में पाकिस्तान को न्योता भेजा गया है। खाद्य और संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा है कि ये न्योता पाकिस्तान को सार्क के देशों के सदस्य होने के नाते दिया गया है। अमरजीत भगत से खास बातचीत की है संवाददाता रूपेश गुप्ता ने। कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। कैबिनेट ने जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया, कांग्रेस शुरू से राहुल गांधी का ये एजेंडा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मुआवजा, ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले किसानों को, और आपने चार गुने से घटा करके परिसंपत्ति में दोगुना कर दिया। नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो नियम में भी है कि उसको परिसंपत्ति में डबल रहेगा, बाकी शेष जो भूमि का जो मुआवजा तय होगा उसमें डबल रहेगा, फोर टाइम्स रहेगा। तो हमने यहाँ पर रेगुलराइज किया है। अच्छा, तो जो चार गुना है वो आप दे रहे हैं? हाँ, वो तो जो भी क्षेत्र में जिसका भी वहाँ पर निर्माण होगा, जिसको भी जमीन आवंटित होगा वो देगा। अच्छा, एक बड़ा विवाद हो रहा है, डॉक्टर रमन सिंह ने उसको लेकर के ट्वीट भी किया है कि जो राशन दुकान है उनको तीन रंग से कलर करने के पीछे को लेकर के सवाल उठाया गया। ये तो बहुत सराहनीय पहल है, तो पहले हो जाना था। तिरंगा हमारी पहचान है, तिरंगा हमारी शान है, और सबके दिलों में, सबके दिमाग में अगर तिरंगा के प्रति सम्मान स्थापित करने के लिए पीडीएस को अगर सभी राशन दुकान को तीन रंगों में रंगने की जो बात हो रही थी, तो बहुत अच्छी पहले पहले होना था। अच्छा, एक और चीज की डांस फेस्टिवल आप लोग ट्राइबल का कर रहे हैं, तो आपने कहा कि सार्क देशों में होने के नाते पाकिस्तान को भी न्योता गया हो। देखिए, जब कोई नीतिगत निर्णय होता है कि तो उसके तहत अगर कोई पत्र चला गया होगा तो उसको बहुत ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, उसमें कोई अंतिम निर्णय नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो अमरजीत भगत का साफ तौर से ये कहना है कि सेंट्रल ने जो व्यवस्था की थी लैंड एग्जिशन एक्ट में, उसी को परिसंपत्तियों के मामले में बरकरार रखा गया। कैमरामैन जगन्नाथ के साथ रायपुर से रूपेश गुप्ता।